कृष्णम वंदे जगतगुरु, वंदे वसुंधराम। हमारे अध्यात्म चैनल और नाम भी बहुत अच्छा, अध्यात्म मीडिया। मीडिया एक स्तंभ होता है हमारे समाज का, देश का, राष्ट्र का। उसमें भी इन्होंने अध्यात्म चुना है, जिसमें अध्यात्म में सनातन धर्म आ जाते हैं, हिंदुत्व आ जाता है। इनका नाम भी कन्हैया और पांडे ये भी लगा है, फिर नाम भी कन्हैया पांडे भी। कन्हैया तो सनातन में कृष्णम वंदे और किसी के नहीं कहा गया, कन्हैया को हमारे ब्रजभूमि में पैदा हुए कन्हैया। लेकिन भगवान कुछ थे वो लोग वाले कि ब्रज में पैदा हुए हमारे भगवताचार्य जी सब, आनंद गोस्वामी सब कहते हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। अब वैकुंठवासियों कुछ देखे ब्रज में जन्म लेकर के आपकी विजय हुई, या ब्रज में लेकर कन्हैया का नाम था लेकिन ब्रज में बनकर आप जगत गुरु का पद पाया। तो उन अध्यात्म चैनल के द्वारा ब्रज में कन्हैया के भूमि का जो आप निरीक्षण कर रहे हैं, ऐतिहासिक जो धरोहर है उसका सबको दर्शन करा रहे हैं, और उसका सुरक्षा का प्रेरणा जनता को हमारे अध्यात्म मीडिया के द्वारा जो दिया जा रहा है कन्हैया जी के द्वारा, वो सराहनीय कार्य है। और जितने इस समय गवर्नमेंट भी सहयोग दे रहा है, मीडिया का कर्तव्य है उस जगह को प्रदर्शित करे, कम से कम भारत के अंदर उसको वितरित करने के लिए हमने उस उद्देश्य को बनाया है। तो अध्यात्म मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लीलाओं के साथ, उन चित्रों के साथ में आप उनके उद्देश्यों को, जो भगवान श्री कृष्ण सच में इस लीला के पीछे पूरी भारत को क्या देना चाहते थे, उस क्रांतिकारी विषय को जरूर रखें। हमारे श्री कन्हैया पांडे जी के द्वारा अध्यात्म चैनल के माध्यम से श्री वृंदावन धाम का दर्शन करवाने का प्रयास चल रहा है। केवल वृंदावन धाम ही नहीं, पूरा का पूरा ब्रज दर्शन है। और ये चाहते हैं कि हम अपने अध्यात्म चैनल के माध्यम से ब्रज दर्शन हम दूर दूर तक करें। अध्यात्म मीडिया नाम से जो ये नया चैनल प्रारंभ भयो है, ये एक सुखद अनुभूति है कि कम से कम कन्हैया पांडे के मन में कन्हैया की भूमि के प्रति और कन्हैया की लीला स्थली के प्रति ये भावना उत्पन्न भई है कि ब्रज चौरासी कोस 84 अंगुलन को भगवान श्री कृष्ण को देह है, और जाके दर्शन कर बेते 84 ते मुक्ति मिल जाए। ब्रज दर्शन, ब्रज 84 कोस को दर्शन, ब्रज की लीला स्थली को, ठाकुर जी की लीला स्थली को दर्शन, प्रिया प्रीतम के वो अभिन्न लीलाओं को दर्शन है जो गुप्त रूप से हैं। विशेष करके अष्ट सखीन के गांव, अष्ट सखान के गांव, और ब्रज के जो भक्त हैं उनने अपने ठाकुर, अपने इष्ट देव को कौन से रूप से देखो, ये उनकी अनुभूति का विषय है। और वामे वहां जाए के वहां के संतन ते उनके जीवन के अनुभव को सुन के अध्यात्म मीडिया के माध्यम से जो दर्शकन के सामने आ रहे हो, ये उपक्रम एक दिव्यता का उपक्रम है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आजकल जो प्रायः जिनके पास में समय नहीं है, और क्योंकि व्यक्ति अपने अपने कार्यन में लिप्त है, तो पहले होती 15 दिन की, 10 दिन की, अब 7 दिन की, शुरू में तो ये 40 दिन की यात्रा ही, अब आदमी के पास में 4 दिन ना है, तो भैया जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है वो घर पे बैठे बैठे ये अध्यात्म मीडिया के माध्यम से ब्रज के दर्शन कर ले। आंखन के द्वारा देख के और कानन के द्वारा सुन के एक भीतर को जगत को निर्माण हो। श्री कन्हैया पांडे जिन्होंने ये एक बहुत सुंदर चैनल आरंभ किया है अध्यात्म मीडिया, वास्तव में ये एक ऐसा चैनल है अध्यात्म मीडिया जो वृंदावन के हम जैसे लोगों को तो यहाँ का आनंद प्रदान कर ही रहा है, लेकिन विश्व के कोने कोने में बैठे हुए ब्रज प्रेमी, ब्रज वसुंधरा के प्रेमी, भगवान श्री राधा कृष्ण के अनन्य प्रिय, उनके भक्त, उनके चरणानुरागी,
उनके लीला स्थल और उनकी अनेकानेक दिव्य स्थानों का दर्शन कर सकें, इस उद्देश्य से अध्यात्म मीडिया चैनल की जो स्थापना की है, बहुत सुंदर चैनल है। मैं निरंतर इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और सत्य बताता हूँ कि हमारा तो जन्म ही ब्रज में हुआ है और ब्रज में वास मिला है ठाकुर जी की कृपा से, बाकी बिहारी जी की कृपा से, लेकिन प्रतिदिन जब तक कोई ना कोई इनकी वीडियो, इनकी पोस्ट ना देख लें, तब तक लगता है आज का दिन अधूरा है। इतना सुंदर चैनल कन्हैया पांडे को और इनके अध्यात्म चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष है। बाकी बिहारी जी खूब कृपा करें और ये चैनल उत्तरोत्तर प्रगति पर आगे बढ़े। आप सभी बिल्कुल देर ना करें, इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ करके आप अपना तो कल्याण करेंगे भी, करेंगे ही, आप दूसरों का भी कल्याण करेंगे। बाकी बिहारी जी आप पर पूर्ण कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। परमादरणीय कन्हैया पांडे जी की मुलाकात हुई हमारे गुरुतुल्य आनंद बल्लभ गोस्वामी जी महाराज के श्री हरिदास आश्रम में और श्रीधाम वृंदावन की इस अनुपम छटा में, इस अनुपम ऐसे पुण्य पुनीत अवसर पर जहाँ पर हम सभी लोग लालायित हैं आज इस कोरोना काल में भगवान के दर्शन के हेतु, मुख्य मुख्य मंदिरों के दर्शन हमें मिल जाते हैं, लेकिन आज के युग में इस कोरोना काल में हमारे पांडे जी और इनका अध्यात्म मीडिया चैनल ब्रज 84 कोस के गांव गांव में जाके, घर घर जाकर के वहाँ की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट को रिपोर्टिंग करना, वहाँ के हमारे जो प्राचीनतम काल के जो हमारे स्थान लुप्त हो गए हैं उसके विषय में लोगों को जागृत करना, आज जिस तरह से अध्यात्म मीडिया चैनल हमारे सनातन धर्म को, सनातन मार्ग को और ब्रज के खास करके उन स्थानों पर जहाँ पर हमें जाना संभव नहीं है, ऐसे शुभ स्थानों पर जाकर वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके और इतना सुंदर ढंग से अध्यात्म मीडिया में इनके चैनल में अपने दिखाते हैं, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं जाकर के उस स्थान पर दर्शन कर रहे हैं। अध्यात्म मीडिया के माध्यम से ये जो वृंदावन और ब्रज 84 कोस का दर्शन है, अद्भुत है, अद्वितीय है। जैसा कि आप सभी टीम लगी हुई है आप सभी को ये बतलाने के लिए कि कहाँ पर ठाकुर जी की कौन सी लीला हुई। ब्रज 84 कोस का लोग दर्शन भी नहीं कर पाते, परंतु एक छोटा सा प्रयास अध्यात्म मीडिया के द्वारा आप श्री ने सुंदर सा प्रयास शुरू किया है, जिससे आप सभी को जुड़ना चाहिए और नित्य आपको वृंदावन से 84 कोस से जोड़े रखेंगे। ये ब्रज 84 कोस हमने गुरुजनों से सुना है कि जो भी ब्रज 84 कोस का केवल स्मरण कर लेता है, दर्शन कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है 84 कोस की, वह 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 में भटकता हुआ प्राणी है, हाँ, तो उन 84 लाख योनियों से यदि किसी को मुक्ति चाहिए, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे शयनम, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, ऐ मूढ़ तू क्यों संसार में उलझा पड़ा है, क्यों नहीं ब्रज 84 कोस की ओर बढ़ता, क्यों नहीं वृंदावन की ओर बढ़ता, क्यों नहीं बिहारी जी की ओर बढ़ता, यदि बढ़ जाएगा तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, यद 84 के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो केवल गोविंद की शरण और गोविंद के चरण ही ऐसे हैं जो हमें इस 84 के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आद्य शंकराचार्य जी इतने विद्वान थे जो भगवान शिव के परम अवतार माने गए हैं, उनको भी ये कहना पड़ा कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, बिना गोविंद को भजे 84 के चक्कर से मुक्ति नहीं है। इसीलिए आओ हम सभी अध्यात्म मीडिया के माध्यम से 84 कोस का पावन दर्शन करें और आप श्री का बहुत योगदान है इसमें, सब जगह जा जा करके इतनी मेहनत कि आप सभी और हम सभी घर बैठे सुंदर सुंदर दर्शन कर सकें, उसके लिए आप कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप श्री। हमारे कन्हैया पांडे जी प्रयासरत हैं और आप जगह जगह जाकर के इन सब जगहों के बारे में सब विस्तार लोगों को समझाते हैं और वहाँ ऐसी ऐसी जगह आप पहुँच रहे हैं, मैं आपको सच कह दूँ कि वो जगहों के दर्शन हमने नहीं किए। जब आपकी वीडियो हम देखते हैं तो हमें भी आश्चर्य होता है और दुख होता है कि ऐसी जगहों से हम अभी तक वंचित क्यों हैं।
जब जिस जगह की हमें ही जानकारी नहीं होगी तो हम अपने प्रेमियों को, भक्तों को, यजमानों को कैसे बता सकेंगे। तो उस चैनल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, प्रतिदिन आपके वीडियो मुझ तक पहुँच रहे हैं और बराबर में उन्हें देखता हूँ। बहुत आनंद होता है, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। मैं आप सभी सनातन प्रेमियों से, भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और आगे के लिए भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके प्रेमी हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ तक भी आपका संपर्क है, वो सब लोग जुड़ें और हमारी ब्रज की प्राचीनतम धरोहर को वो देखकर, सुनकर, समझ करके उससे लाभान्वित हो सकें। यही हमारी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे आध्यात्म मीडिया चैनल से जुड़ करके, हमारे कन्हैया भैया जो इसमें बहुत सतत प्रयास करके और ठाकुर जी की प्राचीनतम लीलाओं को, ऐसी ऐसी लीलाएं हमने आपके माध्यम से श्रवण की हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में भी नहीं पाया गया है, ऐसी लीलाएं, गुप्त लीलाएं आप प्रकट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आध्यात्म मीडिया और कन्हैया पांडे जी को हम यहाँ सीधाम वृंदावन की पावन भूमि से, कालिया मर्दन कृपा निकुंज आश्रम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राधे। श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने ब्रज में आज भी कथा हो, रासलीला हो, हर जगह पहली जो जयकार बोली जाती है वो उस बिहारी की बोली जाती है जो ब्रज में विहार करता है, जो वृंदावन में विहार करता है। बिना उसके न लीला न कथा, कोई प्रक्रिया, कोई आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ नहीं होता। तो ठाकुर जी जिस ब्रज में विहार करने के लिए आए, उस ब्रज के विहार स्थलियों का दर्शन आपको अध्यात्म मीडिया के द्वारा जो बड़े स्तुत्य प्रयास के रूप में कराया जा रहा है, इसके लिए मैं अध्यात्म मीडिया और इसके फाउंडर श्री कन्हैया पांडे जी को बहुत बहुत विशेष रूप से आभार, साधुवाद दूंगा। आपने कितना सुंदर प्रकल्प धारण किया है, ये बात तो हम न जाने कब से उठाते चले आए हैं, ये आपने आज सार्थक और साकार करके दिखाई है। राधे राधे। श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। कन्हैया पांडे जी के द्वारा एक भगवान के नाम के प्रचार के लिए संकल्प जो प्रस्तुत किया है वो उचित है, जिसके अंतर्गत ब्रज दर्शन, भगवान की लीला स्थलियों पर चर्चा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो हमारे सामने आध्यात्मिक मीडिया वाले जो हैं, जिनका जन्म वृंदावन में और वो भी परिक्रमा मार्ग में गोरे दाऊ जी में हुआ था, तो उन्होंने हमारे मामा जी, महाराज जी सब ने खुश होकर इनका नाम कन्हैया रखा गया। तो कन्हैया पांडे जी हमारे जो हैं, हमारे ब्रज में आए हुए हैं और ब्रज की लीलाओं का चाह रहे हैं कि सबको मैं यहाँ बैठे बैठे आध्यात्मिक उसके हिसाब से अब उनकी जो है सबको दर्शन कराता रहूं और मैं सबके दर्शन करता रहूं। तो ऐसे हमारे कन्हैया जी को हम, कन्हैया जी को हम नहीं दे सकते हैं धन्यवाद, क्योंकि कन्हैया जी हैं, लेकिन हाँ मानते हैं हमारे जितने भी संत हुए हैं कन्हैया ने सबको मान्यता दी है, इसलिए हम अपने कन्हैया जी को ये कहते हैं हमारे कन्हैया जी जो भी लीला कर रहे हैं उन लीलाओं को करते रहे और जीवन भर ऐसा ही चलता रहे और ठाकुर जी की कृपा इन पर बनी रहे। हम तो यूँ कहते हैं कि आपका आध्यात्मिक जो चैनल है, ये चैनल ठाकुर जी की कृपा से आजीवन ऐसे ही चलता रहे और हम लोगों का यही आशीर्वाद है।